फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ में कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हुआ। ये डालते हैं एक नजर बॉलीवुड गलियारे पर। बॉयफ्रेंड के साथ आकाश और श्लोका की मेहंदी सेरेमनी में पहुंची एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। देश के सबसे अमीर अंबानी खानदान के बेटे आकाश की सगाई होने जा रही है। आकाश हीरा कारोबारी रसल मेहता की बेटी श्लोका मेहता से 30 जून को सगाई करने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों की प्री मेहंदी सेरेमनी हुई। इस सेरेमनी में अंबानी परिवार के अलावा बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी नजर आई, जिसमें प्रियंका चोपड़ा का नाम सबसे ऊपर है। प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड निक जोन्स के साथ अंबानी के घर मेहंदी सेरेमनी में शामिल हुई। प्रियंका और निक दोनों ही व्हाइट कलर के आउटफिट्स में नजर आए। प्रियंका ने डिजाइनर एमी पटेल की डिजाइन की हुई साड़ी, हाथ में ब्रेसलेट और इयररिंग कैरी की थी। वहीं निक व्हाइट कलर के कुर्ते पैजामे में नजर आए। अंबानी परिवार की होने वाली बहू यानी श्लोका मेहता की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर का डिजाइनर लहंगा पहना था। सोशल मीडिया पर मेहंदी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। प्रियंका ने आकाश और श्लोका के साथ पोज भी किया। इसके अलावा अपने भाई की मेहंदी के लिए ईशा अंबानी ने पिंक कलर का लहंगा पहना था। ईशा इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। बता दें कि ईशा की शादी भी पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल के बेटे आनंद के साथ तय हो गई है। कुछ दिनों पहले ही आनंद और ईशा की सगाई भी हुई थी। बेटी की सगाई में मानीता अंबानी ने भी डांस किया था। आपको बता दें कि श्लोका और आकाश की शादी साल दिसंबर के एंड में होगी। बढ़ते हैं बॉलीवुड की अगली खबर की ओर। भूमि पेडनेकर का लेटेस्ट फोटोशूट देख करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। भूमि ने अपने फोटोशूट के लिए पहना था व्हाइट कलर का बैकलेस ड्रेस। भूमि पेडनेकर ने फोटोशूट के दौरान अपनी बिंदास अंदाज में ली हुई फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने फैंस को चौंका दिया। इस फोटोशूट में वह वाइन कलर की बैकलेस ड्रेस पहनकर नजर आई। इन फोटो में भूमि काफी फिट नजर आ रही थी। दरअसल भूमि ने अपनी पहली फिल्म के लिए अपना वजन काफी ज्यादा बढ़ाया था, जिसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर खुद को पूरी तरह फिट कर लिया है। भूमि पेडनेकर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में दम लगा के हईशा से की थी, जिसमें उनका वजन काफी ज्यादा था। भूमि को अपनी पहली फिल्म में ही फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट फीमेल नई एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। भूमि जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी आने वाली फिल्म सोन चिरैया में नजर आएंगी। भूमि पेडनेकर की अभी तक जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या शुभ मंगल सावधान, उन्हें हर फिल्म के लिए काफी ज्यादा तारीफें भी मिली हैं। बढ़ते हैं मनोरंजन की तीसरी खबर की ओर। एक लड़की को देखा का टीजर हुआ रिलीज। सिंपल नहीं स्यापों से भरी है ये लव स्टोरी। असल जिंदगी में बाप और बेटी यानी अनिल कपूर और सोनम कपूर पहली बार एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सोनम कपूर पहली बार राजकुमार राव के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी और आज इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। दरअसल इस फिल्म का टाइटल अनिल कपूर और मनीषा कोइराला की फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के सुपरहिट गाने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से लिया गया है। ऐसे में टीजर की शुरुआत भी उस फिल्म के गाने से ही होती है, जिसमें अनिल कपूर रुमानी अंदाज में नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद होती है सोनम कपूर की आवाज की एंट्री, जो बताती है ये लव स्टोरी सिंपल नहीं बल्कि स्यापों से भरी हुई है। इस फिल्म में अनिल कपूर, जूही चावला, सोनम कपूर और राजकुमार राव नजर आने वाले हैं। फिल्म का टीजर काफी मजेदार लग रहा है। टीजर ने ये तो उत्सुकता जगा ही दी है कि आखिर इस लव स्टोरी में क्या स्यापा है। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। कैटरीना कैफ की इस नई फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया काफी ज्यादा बवाल। आइए जानते हैं आखिर क्या है माजरा। कैटरीना कैफ वाकई बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों की लिस्ट में शुमार है। कैटरीना का स्टाइल अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर छाया रहता है और ऐसा ही कुछ कैट ने फिर से किया है। कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक नई फोटो शेयर की और इस फोटो के सामने आते ही जैसे उनके कई फैंस एक्टिव हो गए। अपनी इस फोटो के चलते कैटरीना ट्विटर पर भी तुरंत टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई। अब इस फोटो में ऐसा क्या है ये तो आप भी देखकर ही फैसला कर पाएंगे। कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करी और इसके कैप्शन में लिखा मलंग। फोटो में कैटरीना बेहद हॉट और बोल्ड लुक में नजर आ रही थी। आपको याद दिला दें कि फिल्म धूम 3 में कैटरीना कैफ ने मलंग गाने पर डांस किया था। कैटरीना कैफ इन दिनों सलमान खान के साथ द बैंग टूर में बिजी है। इस टूर में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, सोनाक्षी सिन्हा, मनीष पॉल, प्रभु देवा जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कैटरीना कैफ शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म जीरो में भी नजर आएंगी। बढ़ते हैं मनोरंजन की आखिरी खबर की ओर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह का किरदार निभाएंगे अनुपम खेर। जानिए कौन निभाएगा राहुल और प्रियंका गांधी का किरदार। इन दिनों बॉलीवुड में बायोपिक्स का सीजन है, चाहे किसी खिलाड़ी की हो या किसी एक्टर की। लगातार बायोपिक फिल्में देखने में आ रही हैं और इनका रिकॉर्ड भी बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसी ही एक और बायोपिक है जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में है। हम बात कर रहे हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की, जो इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार तो अनुपम
खैर निभाने वाले हैं, लेकिन बाकी अहम किरदारों में कौन नजर आने वाला है इस बात का खुलासा अभी होना बाकी है। तो लीजिए जनाब, अब इस फिल्म के दो अहम किरदार यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का किरदार का खुलासा हो गया है। अनुपम खेर ने अपने ट्विटर पर इन दो किरदारों का पहला लुक शेयर किया है। एक्ट्रेस अहाना कुमरा इस फिल्म में प्रियंका गांधी बनी नजर आने वाली है, जबकि एक्टर अर्जुन माथुर इस फिल्म में राहुल गांधी का किरदार निभाएंगे। एक्ट्रेस अहाना कुमरा इससे पहले फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में नजर आ चुकी हैं, जबकि अर्जुन माय नेम इज खान में भूमि जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इस फिल्म का निर्देशन विजय रत्नाकर गुप्ते कर रहे हैं, जो कि इनकी पहली फिल्म है। ये फिल्म मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बरुआ की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है और ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होगी। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे पंचायती टाइम्स।